हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी के बारे में एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। देखिए, यहाँ पे एक लाइब्रेरी का पिक्चर है जिसमें एक लाइब्रेरियन है और बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, लेकिन अलग अलग खाने में, मतलब सभी बुक्स के लिए उनके अलग अलग खाने रखे हुए हैं। कुछ लड़के या फिर कुछ लोग तो क्या है, खड़े होके किताब पढ़ रहे हैं कहाँ पे, जहाँ पे किताब रखे हुए हैं। और एक इंसान देखो, मतलब एक लोग आदमी जो है वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। लाइब्रेरियन वहाँ पे बुक्स इश्यू कर रहा है और कुछ लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं, और लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे चेयर और टेबल भी हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, चलो देखो कि ये पिक्चर क्या है। पहले लाइब्रेरी का है तो लिखेंगे, दिस इज अ पिक्चर ऑफ दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ लाइब्रेरी। फिर लाइब्रेरी में सबसे पहला इंसान कौन है, लाइब्रेरियन। लिखेंगे, देयर इज अ लाइब्रेरियन हु इज इशूइंग बुक्स, ठीक है। लाइब्रेरी का लाइब्रेरी हुआ पहले, उसके बाद एक लाइब्रेरियन के बारे में लिखे जो के किताब इश्यू कर रहा है। और देखो, तीन बच्चे वहां पे लाइन में लगे हुए, बराबर लिखेंगे, देर आर थ्री चिल्ड्रेन इन द क्वी, ठीक है। अब देखिए कि वहां पे बहुत सारे बुक्स एकदम व्यवस्थित रखे हुए हैं, लिखेंगे, बुक्स आर neatly 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 arranged, ठीक है। व्यवस्थित रखे हुए कहाँ पे, on their book shelves, अलग अलग खाने में रखे हुए, arranged in the book। अब देखिए, बुक सेल्स रखे हुए हैं, उसके पास कुछ लोग खड़े होके पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे, देर आर फ्यू पीपल स्टैंडिंग नियर द बुक सेल्स एंड रीडिंग, ठीक है। अब देखो, वहां पे एक इंसान न्यूज़पेपर पढ़ रहा है खड़े होकर, लिखेंगे, वन मैन इज रीडिंग द न्यूज़पेपर near the table, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा बहुत सारे चेयर्स और टेबल्स भी लाइब्रेरी में हैं, लिखेंगे, there are many chairs and tables in the library.
ठीक है। अब देखिए वहां पे कुछ लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, लिखेंगे सम पीपल आर रीडिंग, ठीक है, कैसे बैठे हुए हैं, तो रीडिंग बुक्स। और लाइब्रेरी जो होता है एक शांत जगह होता है, वहां पे आवाज करना लगभग ना के बराबर, तो क्या लिखेंगे, द लाइब्रेरी इज अ साइलेंस प्लेस वेयर Anybody don't make noise. लाइब्रेरी ऐसा साइन जगह है जहां पर लोग आवाज नहीं करते। तो अब देखिए जो पिक्चर इसमें लिखे वो मोस्ट ऑफ टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। स्टार्टिंग में कैसे लिखता है कि दिस इज अ पिक्चर, ये एक पिक्चर दिया हुआ है, मतलब एक पिक्चर के बारे में ही लिखना है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, जगह कैसा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ओनली प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है और 99% प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज होगा।